हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम कंप्यूटर सब्जेक्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या वन लाइनर को डिस्कस करेंगे। और साथियों, ये लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका कंप्यूटर सब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या वन लाइनर हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जो हिंदी में नाम है, कंप्यूटर का हिंदी में नाम संगणक है। संगणक मतलब गिनने वाला, यानी कैलकुलेटर। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सबको पता भी है, फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन, इनका भी नाम याद रखिएगा, जॉन वॉन न्यूमैन, ये कंप्यूटर के विकास में या जो कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन हुआ है, इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, इसके विकास में सर्वाधिक योगदान है किसका है, जॉन वॉन न्यूमैन का। आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम 1946 में हुआ। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर, या कह सकते हैं मॉडर्न कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ, मदर कंप्यूटर का, मॉडर्न कंप्यूटर का जो है आविष्कार किया गया है। और नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई 1960 से। तो 1960 के बाद जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में एक ग्रेट जो है आपका कह सकते हैं कि महान रूप से या बड़े पैमाने पर जो है इसमें क्रांति आई, रिवोल्यूशन आई। और नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करें, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश अमेरिका है इसे कहते हैं हम। और इसके बाद है जापान है, जर्मनी है, ब्रिटेन है और फ्रांस का स्थान आता है। और भारत का इस सूची में 19वां स्थान है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर साक्षरता यानी कंप्यूटर लिटरेसी, तो कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इस बात की जानकारी होना ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। आगे चलें, 2 दिसंबर जो होता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई 1984 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। तो भारत में बनाया गया, मैन्युफैक्चर्ड किया गया पहला कंप्यूटर क्या है? तो पहला कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है और इसका निर्माण किया गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ का निर्माण किया। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम कंप्यूटर HEC2M 1955 में इसको जो है कहाँ पर लगाया गया था? तो इसको लगाया गया था ISO कोलकाता में। तो ISO कोलकाता में भारत में प्रथम कंप्यूटर HEC2M 1955 में कोलकाता में लगाया गया, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर, तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत यानी कंप्यूटराइज जो पोस्ट ऑफिस है वो नई दिल्ली का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप, तो ये मुंबई में है, इसको भी याद रखिए। तो डाकघर की बात करें तो डाकघर दिल्ली से संबंधित है, प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर वो नई दिल्ली का, और पहला जो कंप्यूटरीकृत जो पेट्रोल पंप है तो वो मुंबई में है, इसको याद रखिए। आगे चलें, निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय, तो राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय प्राइवेट सेक्टर का पहला जो है कंप्यूटर यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति, तो भारत में सबसे पहली कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र, तो पहला न्यूज़पेपर जो इंटरनेट पर उपलब्ध था तो वो था द हिंदू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। द हिंदू इंटरनेट पर अवेलेबल होने वाला, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है। और जब हम मैगजीन की बात करते हैं कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका, तो इंडिया टुडे फर्स्ट जो है मैगजीन है जो इंटरनेट पर अवेलेबल थी। और न्यूज़पेपर की बात करें तो द हिंदू, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी भारत की एक ऐसी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। तो ये पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। कंप्यूटर जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं? डिजिटल होते हैं, एनालॉग होते हैं और हाइब्रिड। तो कंप्यूटरों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। अब समझते हैं कि क्या है डिजिटल कंप्यूटर। तो वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है, तो ऐसे कंप्यूटर को जो गणितीय मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है उसे कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार काम करता है, जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करे उसे कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एनालॉग और डिजिटल के संयुक्त रूप को,
तो मतलब जो कैलकुलेशन भी करे और आकलन के सिद्धांत के अनुसार भी कार्य करे, जिसमें दोनों स्वरूप पाया जाए, तो उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो इस प्रकार के कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, जिसमें गणना के साथ साथ आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करने की भी क्षमता हो, तो इस प्रकार के कंप्यूटर को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। मध्यम आकार के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहते हैं, जिनका साइज़ जो है, जिनका आकार मध्यम आकार का होता है, उन्हें मिनी कंप्यूटर कहते हैं। और कुछ ऐसे भी कंप्यूटर होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, तो सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। सामान्य कंप्यूटर की 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। एक मिनट साथियों, आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहते हैं कि अगर आप इसको थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हैं तो कंप्यूटर सब्जेक्ट से संबंधित हमारे दो वीडियो इस जो है चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं, या फिर इसका हम आई बटन है उस पर हम इसका जो है लिंक दे देंगे, तो वहाँ से भी आप उसे जो है उपलब्ध आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा और वहाँ से भी आप उसे देख पाएंगे। आइए लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं। तो सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सुपर कंप्यूटर में लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है, तो इसमें कैलकुलेशन जो कैपेसिटी होती है लगभग 40 माइक्रो कंप्यूटर की जितनी होती है, किसमें? सुपर कंप्यूटर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए साथियों। इसकी जो गति होती है उसे किसमें मापा जाता है, तो सुपर कंप्यूटर की गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेगा फ्लॉप में किसकी हम गति को मापते हैं, तो मेगा फ्लॉप में सुपर कंप्यूटर की परिकलन क्षमता को या इसकी गति को मापते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के वन एस ये पहला सुपर कंप्यूटर था विश्व का, और जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के क्रेके रिसर्च कंपनी ने बनाया था, तो एक कंपनी का नाम भी है क्रेके रिसर्च कंपनी। तो क्रेके रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के वन एस पहला सुपर कंप्यूटर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, अमेरिका की एक कंपनी क्रेके रिसर्च कंपनी ने बनाया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। आगे चलते हैं, 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर एक सेकंड में शतरंज की 20,40,000 सोच सकता है। तो डीप ब्लू एक कंप्यूटर है जो 32 कंप्यूटरों के बराबर काम करने की इसमें क्षमता होती है। तो ये कंप्यूटर कह रहा है कि इस कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं कि ये कंप्यूटर जो है एक सेकंड में शतरंज की लगभग 20,40,000 सोच सकता है। और इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। तो किस कंप्यूटर के द्वारा जो है विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया गया था, तो वो कंप्यूटर है आपका डीप ब्लू नाम का कंप्यूटर। तो डीप ब्लू नाम का कंप्यूटर जिसमें 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य करने की कार्य क्षमता है। आगे चलें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। तो इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई हैं, और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब उपयुक्त होता है। तो जो इसका फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखें, आधुनिक कंप्यूटर में प्रायः सेमीकंडक्टर मेमोरी का कार्य करती है। आधुनिक जो कंप्यूटर है यानी जो मॉडर्न कंप्यूटर है, इसमें प्रायः सेमीकंडक्टर मेमोरी स्मरण शक्ति का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। जो कंप्यूटर बोर्ड होता है उसमें कुल 8 संयोजक होते हैं, और 1 किलोबाइट यानी KB बराबर 1024 बाइट के बराबर होता है, और 1 किलोबाइट बराबर जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट इज इक्वल 1024 बाइट्स। अगला क्वेश्चन देखें, 1 MB या मेगाबाइट जो है आपका 1024 KB के बराबर होता है। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं, सबको पता ही होगा। और 1 GB की बात करें तो 1 GB आपका MB के कितने MB के, तो 1024 MB के बराबर होता है। तो ये तीनों 1024 बाइट के बराबर होता है आपका 1 KB, और 1 MB बराबर होता है आपका 1024 आपका KB के, और 1 GB बराबर होता है वो आपका 1024 MB के। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन हैं, इनको आप याद रखिए। सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए
कौन सी विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया था? स्नोबॉल। स्नोबॉल एक स्पेशल लैंग्वेज है, इसका जो है इसकी खोज की गई थी सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली प्रचालन प्रणाली विंडोज़ है, तो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडोज़ है, इसको आप याद रखिए। यूजनेट सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है, तो क्या है यूजनेट? USENET यूजनेट इसका फुल फॉर्म है। सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की ये प्रणाली है, इसका एक सिस्टम है। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहा जाता है। तो गेटवे क्या है? जब किसी नेटवर्क को इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है उसके साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। कोई भी इंटरनेट धारक है, ठीक है, वो जब किसी नेटवर्क अपने नेटवर्क को किसी अन्य नेटवर्क के साथ में जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे गेटवे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटेल का अधुनातन माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम 4 है, तो इंटेल का जो अभी लेटेस्ट जो है अधुनातन इसमें लिख दिया है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो लेटेस्ट होता, तो इंटेल जो कंपनी है इसका जो लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर है वो पेंटियम 4 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो लेटेस्ट इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो पेंटियम 4 है, किसका? इंटेल कंपनी का। अगले क्वेश्चन की बात करें, पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखा था, तो जो पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी की बात करते हैं तो इस पर सबसे पहले पुस्तक किसने लिखा था? तो टेड नेल्सन नामक वैज्ञानिक ने इस पर फर्स्ट जो है बुक जो है पब्लिश किया था, लिखा था। अगले क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर पर लिखी गई सोल ऑफ न्यू मशीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो दो पुस्तकों का यहाँ पर जिक्र किया गया। टेड नेल्सन ने लिखा कौन सी पर्सनल कंप्यूटर पर पहली पुस्तक लिखी थी, और कंप्यूटर पर एक पुस्तक और लिखी गई सोल ऑफ न्यू मशीन, और इसके लेखक हैं टैसी किडर, इनको पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सोल ऑफ न्यू मशीन याद रखिए, सोल ऑफ न्यू मशीन ये पुस्तक का नाम है, और इसके लेखक हैं, इसके जो राइटर हैं वो है टैसी किडर, इनको पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आगे चलें, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है, तो इसकी जो फर्स्ट जो मैगजीन है वो है कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन, कंप्यूटर ऑटोमेशन ये मैगजीन है, कंप्यूटर की पहली मैगजीन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पर मूव करते हैं। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमोडोर VIC/20 है, तो कंप्यूटर की प्रथम घरेलू कंप्यूटर जो है आपका कमोडोर VIC/20 है, तो इसको याद रखिएगा, कमोडोर VIC/20/20 ये प्रथम घरेलू कंप्यूटर है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है, तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो इंडियन लैंग्वेज संस्कृत है, संस्कृत को कंप्यूटरीकृत आसानी से किया जा सकता है, इसको कंप्यूटराइज आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहा जाता है, तो सबसे आसान क्वेश्चन था ये, कंप्यूटर की जो प्रोग्राम की जो सूची होती है उसे मेन्यू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उद्योग उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, तो डेटा प्रोसेसिंग मीन्स होता है वाणिज्यिक उद्योग के लिए, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना, कमर्शियली जो यूज है उसके लिए इंफॉर्मेशन, उसके लिए जो है डाटा कलेक्ट करना, ये डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। रिकॉर्ड्स का संग्रह फाइल कहलाता है, जब रिकॉर्ड्स को हम कलेक्ट करते हैं तो वो फाइल कहलाता है, उसे फाइल करना कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत पर आधारित है, तो जो डिजिटल कंप्यूटर जो हमने पहली अभी जस्ट हम ऊपर पढ़े हैं, डिजिटल एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर, तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है इसकी कार्य पद्धति क्या होती है? गणना और सिद्धांत पर आधारित होती है। विश्व का प्रथम व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर यूनिमैक था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, प्रथम व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक। फोर्ट्रॉन प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है, तो फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोर्ट्रॉन प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है, तो फर्स्ट लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग की फर्स्ट लैंग्वेज है वो है फोर्ट्रॉन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिए। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा प्रदेश है, तो हिंदी कमांड को एक्सेप्ट करने वाला, स्वीकार करने वाला कंप्यूटर वो भाषा प्रदेश नाम का कंप्यूटर है। कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा के समान है, जो कोबोल है जो कि आपका SLL है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज है, अंग्रेजी भाषा के समान कोबोल को माना जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, जो कोबोल लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है, में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। अगला क्वेश्चन देखें, अनुवादक की असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है, असेंबलर कहलाता है,
जो ट्रांसलेटर की असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है उसे असेंबलर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 59, अनुवाद प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है, कंपाइलर कहलाता है अनुवाद प्रोग्राम। अच्छा, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, उसे कंपाइलर कहते हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, बेसिक भाषा को फोरट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। बेसिक जो लैंग्वेज है इसको फोरट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि को सिखाने के लिए इसका नींव का पत्थर माना जाता है। बेसिक को, बेसिक जो लैंग्वेज है इसको फोरट्रान, एल्गोल और पास्कल ये सब सिखाने के लिए नींव का पत्थर मान लिया जाता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। तो हम लोग अपनी आधे पड़ाव पर आ चुके हैं और लेक्चर आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन देखते हैं 61, माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। प्रोलोग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। जो प्रोलोग है ये फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी चिप का विकास जेएस किल्वी ने किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, जो आईसी चिप जो होती है इसका विकास किसने किया? तो जेएस किल्वी ने आईसी चिप का विकास किया, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप है इस पर सिलिकॉन की परत होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चिप है इंटीग्रेटेड सर्किट का जो चिप है उस पर सिलिकॉन की लेयर पाई जाती है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 65, कंप्यूटर की जो एरर होती है उसे बग कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो अशुद्धियाँ हो जाती हैं, उसे जो गलतियाँ हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बग कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, वर्ष 1988 ईस्वी में सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की पुणे में स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 1988 में सीडैक की स्थापना की गई पुणे महाराष्ट्र में। आगे चलें, पुणे के सीडैक के वैज्ञानिक ने 28 मार्च 1998 को प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया। तो जो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था कि 1988 में सीडैक की स्थापना की गई पुणे में महाराष्ट्र में, तो पुणे के ही सीडैक के एक वैज्ञानिक ने 28 मार्च 1998 को प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे परम 10,000 का निर्माण किया। और इसके विकास का श्रेय जो है दिया जाता है सीडैक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय पी भास्कर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पूछ सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एयरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु में फ्लू फ्लावर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने की सफलता पाई थी। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले नेशनल एयरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने फ्लू सॉल्वर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। तो कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो ये है आपका फ्लू सॉल्वर नामक एक सुपर कंप्यूटर है। इसको किसने विकसित किया? तो इसको विकसित किया नेशनल एयरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 69, कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। तो अगर कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण किया जाता है तो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं तो कंप्यूटर पर इसे क्या कहा जाता है? इसे सब क्रिटिकल टेस्ट कहते हैं। सब क्रिटिकल टेस्ट परमाणु परीक्षणों को कहा जाता है कंप्यूटर पर। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो जो लेजर प्रिंटर्स होते हैं ये सुपर फास्ट जो है प्रिंटर होते हैं, सबसे तेज प्रिंटर होते हैं लेजर प्रिंटर। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंपनी है अमेरिका की, एक कंप्यूटर कंपनी है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM एक कंप्यूटर की कंपनी है अमेरिका की। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर वायरस एक मानव निर्मित डिजिटल परजीवी है। तो वायरस की जो बात करते हैं तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मानव के द्वारा बनाया गया डिजिटल परजीवी है, पैरासाइट है, जो फाइल संक्रामक के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे फाइल संक्रामक कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, Y2K वाई का मतलब ईयर, 2K का मतलब यानी 2000, संकट अर्थात ईयर 2000 तारीखों से संबंधित कंप्यूटर समस्या थी। ये डेट से संबंधित, तारीखों से संबंधित एक समस्या थी, कंप्यूटर की प्रॉब्लम थी Y2K। Y2K संकट को मिलियन बग भी कहा जाता है। Y2K जो प्रॉब्लम है इसको मिलियन बग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 75, मोडेम कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिए, जो मोडेम होता है ये कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का एक इक्विपमेंट है, एक उपकरण है, और जो कि टेलीफोन लाइन पर काम करता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक यानी वह कैलकुलेटर जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो उसे साइट कहते हैं। संगणक का मतलब है कंप्यूटर, तो इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक यानी कंप्यूटर जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो उसे साइट कहा, वो साइट कहलाता है। तो वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ वह कंप्यूटर, इंटरनेट जब कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है तो उस पर एक विशेष प्रकार की जो सूचनाएँ अगर उपलब्ध हों तो उसे साइट कहते हैं, वो साइट कहलाता है। पास या दूर के किसी संगणक या नेटवर्क से सूचनाएं मॉडेम की मदद से अपने संगणक के लाने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहते हैं, कोई पास में या दूर में, ठीक है, कोई कंप्यूटर है संगणक है तो उसे नेटवर्क की सहायता से कुछ सूचनाओं को जो है मॉडेम की मदद से उसको ले आने को उसे कहते हैं डाउनलोड। तो डाउनलोड करना मतलब मान लीजिए कोई फाइल है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको हम अपने कंप्यूटर में ले आना चाहते हैं तो उसे डाउनलोड कहते हैं। पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगठक से सूचनाएं भेजना अपलोड कहलाता है। और जैसे हम अपनी सूचनाएं किसी पास के या दूर के किसी हम कंप्यूटर पर भेजना चाहें इंटरनेट की मदद से मॉडेम की उसमें सहायता लेते हैं तब उसे अपलोड कहते हैं। तो अपने पास सेव करना डाउनलोड कहलाएगा और दूसरे को देना अपनी फाइल्स को वो अपलोड कहलाएगा। जैसे हम वीडियो लेक्चर को बना रहे हैं, वीडियो लेक्चर को अपलोड करेंगे इंटरनेट पर चला जाएगा, ठीक है, तो अभी हमारे पास था वो अब सबके पास पहुंच जाएगा तो वो अपलोड कहलाएगा। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्रैश कहलाता है। तो कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क पर कोई कार्यक्रम चल रहा है और अचानक से वो खराब हो जाए या समाप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्रैश कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कंप्यूटर का विकास 1955 से आरंभ हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिए, 1955 से इंडिया में कंप्यूटर का विकास प्रारंभ हुआ। गांव-गांव तक कंप्यूटर पहुंचाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने सिम्प्यूटर नामक हथेली के आकार का टच स्क्रीन वाला बहुभाषी कंप्यूटर विकसित किया है। तो सिम्प्यूटर क्या है, सिम्प्यूटर एक पाम साइज का, हथेली के साइज का एक टच स्क्रीन का जो है एक कंप्यूटर है जिसे सिम्प्यूटर कहा जाता है और इसको बेंगलुरु ने विकसित किया था। बेंगलुरु की एक संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बेंगलुरु ने इसे विकसित किया था। बहुत ही छोटे से साइज का है और मल्टी लैंग्वेज सिम्प्यूटर नाम का जो है पाम साइज जो है आपका टच स्क्रीन कंप्यूटर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, भारत में प्रथम कंप्यूटेरियम या कंप्यूटर मंडल कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। भारत में प्रथम कंप्यूटेरियम मतलब कंप्यूटर मंडल कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 83, केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के वेल्लानाड गांव को भारत का पहला पूर्ण रूपेण कंप्यूटरीकृत गांव घोषित किया गया है। तो फर्स्ट कंप्यूटराइज जो विलेज है वो केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के वेल्लानाड गांव को बनाया गया है। वेल्लानाड गांव भारत का पहला कंप्यूटरीकृत या कंप्यूटराइज विलेज है, गाँव है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, पर्सनल कंप्यूटर यानी PC, होम कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डायरी या ब्रीफकेस कंप्यूटर आदि माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनल कंप्यूटर, होम कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डायरी या इसे ब्रीफकेस कंप्यूटर कहते हैं आदि माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। माइक्रो कंप्यूटर में प्रचलित कुछ प्रचालन प्रणाली का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जैसे आपका CP/M या MacOS जो कि आपका एप्पल का है, डॉस है, प्रोडॉस है, MS-DOS या आपका PC-DOS या जेनिक्स, यूनिक्स, विंडोज़, लाइनेक्स, ये कुछ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, आपको याद होना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो माइक्रो कंप्यूटरों में काम करने वाले कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं आपका CP/M, MacOS, एप्पल का, डॉस, प्रोडॉस, MS-DOS, PC-DOS, जेनिक्स, यूनिक्स, विंडोज़, लाइनेक्स आदि ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि आपके माइक्रो कंप्यूटरों में काम करते हैं। आगे चलें, CPU की गति को क्लॉक स्पीड कहते हैं। तो CPU की जो गति होती है, उसकी जो स्पीड होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्लॉक स्पीड कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, कंप्यूटर प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया गया निर्देश क्या कहलाता है, वो कमांड कहलाता है। तो कंप्यूटर प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को जो निर्देश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कमांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, दुनिया के विभिन्न स्थानों पर स्थापित टेलीफोन लाइनों अथवा उपग्रहों की सहायता से एक दूसरे के साथ जुड़े कंप्यूटरों को नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। तो इस बात को हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने इस लेक्चर में कि दुनिया के जो विभिन्न स्थानों पर जो भी टेलीफोन लाइनों हों या उपग्रहों की सहायता से एक टेलीफोन लाइनों अथवा कंप्यूटर को हम कह सकते हैं कि उपग्रह की सहायता से, सैटेलाइट की सहायता से एक दूसरे से जो जुड़े हैं और जिसमें कंप्यूटर का नेटवर्क काम करता है उसे इंटरनेट कहते हैं, वो इंटरनेट कहलाता है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। इंटरनेट पद्धति में संपूर्ण सूचनाएं कंप्यूटरों में भरी होती हैं और इन्हें तकनीकी भाषा में वेब सर्वर कहा जाता है। जो इंटरनेट सिस्टम होता है इसमें संपूर्ण सूचनाएं जो है कंप्यूटरों में स्टोर होती हैं, कंप्यूटरों में भरी हुई होती हैं, इन्हें तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं वेब सर्वर कहते हैं। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 90। प्रत्येक कंप्यूटर में निहित जानकारी को होम पेज के नाम से जाना जाता है। जो कंप्यूटर होते हैं उसमें जो भी जानकारी होती है उसको होम पेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ATM का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन और इसके आविष्कारक का नाम जो है जॉन सेफर्ड बार्नेस, ये स्कॉटलैंड जो कि इंग्लैंड के अंतर्गत में आता है, इंग्लैंड जो है आपका इंग्लैंड क्या इसे बोलेंगे, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत में स्कॉटलैंड भी आता है जो कि इंग्लैंड के का पड़ोसी जो है देश है। तो जॉन सेफर्ड बार्नेस ATM के आविष्कारक हैं, इनका नाम याद रखिएगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका पूरा नाम है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM के आविष्कारक जॉन सेफर्ड बार्नेस को माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। अमेरिका के दो व्यक्तियों और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉयल एंजेल और रिचर्ड फ्रंकियल ये क्या है, ये कौन है, ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1971 में 1971 में मोबाइल फ़ोन जिसे आप सेल फोन कहते हैं इसका आविष्कार किया था। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, सभी व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन या सेल फोन होते हैं। तो इसका विकास किसने किया था, अमेरिका के दो साइंटिस्ट थे, दो वैज्ञानिक थे, जॉयल एंजेल और रिचर्ड फ्रंकियल ने 1971 में मोबाइल फ़ोन या सेल फोन का आविष्कार किया था। और ATM स्कॉटलैंड के जॉन सेफर्ड बार्नेस ने इसका जो है आविष्कार किया था। और ATM का जो पूरा नाम है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो साथियों ये कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर थे। अब हम कुछ एब्रिविएशंस कुछ कह सकते हैं कि फुल फॉर्म्स को पढ़ेंगे जो कि कंप्यूटर से ही संबंधित हैं। तो पहला है ALU, ALU मीन्स आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट अगला है आपका एल्गोल, एल्गोल का मतलब अर्थमेटिक लैंग्वेज, तो ALGO ये आपका अर्थमेटिक से संबंधित है, एल्गो अर्थमेटिक एल्गो एंड एल एल्गोल मीन्स आपका अर्थमेटिक एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, सॉरी अर्थमेटिक्स को पढ़ा रहे हैं बार बार, एल्गोल मीन्स आपका एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले, तो ALU और एल्गोल दो को हम पढ़ चुके हैं। अगला है SCII, तो इसका पूरा नाम जो होता है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट बेसिक जो आपकी लैंग्वेज है, बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बोलिक इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शंस कोड, फिर से एक बार देख लीजिए, बेसिक का जो फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BCD मीन्स आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD का मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट अगला है BIOS, BIOS का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CAD CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAT स्कैन कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन, COBOL का मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, और CDOT का मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, और COMAL का मतलब कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, और DOS का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट आगे चलते हैं DTS मीन्स आपका डेस्कटॉप सिस्टम, DTS का मतलब डेस्कटॉप सिस्टम, और DTP का मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग, और E-commerce का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, INIAC मीन्स आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, INIAC का पूरा नाम है, और फैक्स का मतलब होता है फेसिमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स, ये फैक्स का पूरा नाम है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए फैक्स का फुल फॉर्म। फ्लॉप्स क्या होता है, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। और फोल्ट्रान का मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन, SLL का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, और HTML का मतलब हाई टेक्स मार्कअप लैंग्वेज, IBM मीन्स आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और ISH का मतलब इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, और दो और बचे हुए हैं LAN लोकल एरिया नेटवर्क, और LDU मतलब लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। तो साथियों ये था कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और साथ ही साथ हमने लास्ट में डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस को, कुछ इंपॉर्टेंट हमने फुल फॉर्म्स को। तो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जल्द ही हम एक नए लेक्चर के साथ आपसे रूबरू होते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक ऐसे ही लेक्चर को देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।